जांजगीर चांपा जिला के भैंसों में 5 दिन पहले हुए अंधा कत्ल के गुत्थी ला पुलिस ने सुलझा लिए हैं। आरोपी युवक बुजुर्ग खीकराम निर्मलकर की गवाही में 3 साल पहले जेल भेज दिए गए रहे। वही बात ले रंजिश लेके खीकराम निर्मलकर निर्मलकर ला मारे के योजना बनाए के आरोपी है प्रयास करत रहे। दरअसल आरोपी लच्छूराम साहू से खीकराम के 2016 में विवाद हो रही से और ये विवाद में लच्छूराम ला जेल भी जाना पड़े रही से। तब से वह मन में बैर पाल के रखे रही से। पुलिस अब विवाद ला अहम कड़ी मानत हुए मुखबिर लगा के जानकारी ली। तब पता चली कि हत्या के पहली दिन आरोपी लच्छूराम मृतक के घर के पास में बैठ के शराब पिए रही से और घटना के बाद से वो गाँव से फरार हो गए रही से। साथ में उखर मोबाइल भी बंद बतात रही से। पुलिस के अनुसार डॉग स्क्वाड भी आरोपी के घर तक जाके रुक गए रही से। पुलिस ला सूचना मिली कि आरोपी शिवरी नारायण के पास अपन हुलिया बदल के घूमा थे, जेकर बाद मौका में दबिश दे के पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ली। आरोपी के खून ले सने कपड़ा और टंगिया गांव के एक तालाब ले बरामद कर लिए गए हैं। 25-26 जून की दरमियानी रात की घटना है। खीकराम निर्मलकर नामक 56 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति रात्रि में खाना खा के अपने मकान के छत में सो रहा था। तब किसी अज्ञात व्यक्ति ने आकर धारदार टंगिया से उसके गर्दन में कई बार प्राणघातक प्रहार कर हत्या कर दिया। और दूसरे दिन 26 तारीख को सुबह घटना की सूचना मिलने पर थाना पामगढ़ पुलिस और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मैं भी मौके पर पहुँचे और उसका बारीकी से शव और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद उन्हीं के गांव का रहने वाला एक लच्छराम साहू नामक व्यक्ति, जिसके साथ वर्ष 2016 में भी खीकराम का विवाद हुआ था और मारपीट हुई थी, तो खीकराम ने रिपोर्ट दर्ज कराया था लच्छराम साहू के खिलाफ, जिसमें लच्छन साहू को चालान किया गया था। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उसी रंजिशवश घटना दिनांक को लच्छन साहू के द्वारा मृतक खीकराम निर्मलकर को धारदार टंगिया से चोट पहुंचाकर हत्या किया था।